सब्सक्राइब कीजिए चैनल कुछ नया कुछ हटके को, क्योंकि यही वह चैनल है जो सबसे पहले आपको देता है न्यू और यूनिक बिजनेस आइडियाज। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कुछ नया कुछ हटके पर। गाइस, इस टाइम जो आप मेरे पास ये मशीन देख रहे हैं, ये पेपर नैपकिन बनाने वाली एक मशीन है। इस तरीके के पेपर नैपकिन जो होते हैं आप इस मशीन के माध्यम से बना सकते हैं और खुद का एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर मैं इस मशीन की बात करूँ तो आप इस मशीन को लगाकर 2500 से लेकर 3000-3500 रुपये तक एक दिन में कमा सकते हैं। तो अगर एक दिन में आप 2500 से 3000 रुपए कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। खुद का तो रोजगार आप करेंगे, दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो ये मशीन कैसे काम करती है, कितने रेट में आपको पड़ेगी, किस प्राइस में आपको पड़ेगी, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कप प्लेट बनाने वाली मशीन का वीडियो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर दीजिए, वहां पर आपको दूसरी वीडियो मिलेगी पेपर कप बनाने वाली, आप उसे भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि इस तरह के पेपर नैपकिन, ये आपने खूब देखे होंगे, शादियों में देखे होंगे, अपने घरों में भी आप यूज करते होंगे या कहीं खाना वाना खाते होंगे तो सब जगह ये मिलते हैं इजीली। तो कितने रुपए में आप कमा सकते हैं, कितने रुपए इससे कमा सकते हैं, सब इस वीडियो में आने वाला है। बस वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देख लीजिएगा गाइस, इतना ही आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों देख लीजिए, मशीन हमने स्टार्ट कर दी है। मशीन का जो हमने स्पीड है वो स्लो की हुई है, क्योंकि आवाज होगी तो वीडियो क्लियर बन नहीं पाएगी। तो पीछे आप देख रहे हैं पेपर रोल लगा हुआ है, ये पिछला हिस्सा है मशीन का, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो पूरा हिस्सा आप देख पाएंगे मशीन का। देख लीजिए पूरा पेपर रोल से पेपर आ रहा है पूरा। ये बीच का हिस्सा है मशीन का जो आप देख रहे हैं, रोलर के अंदर से होकर ये पेपर गुजर रहा है, तो ये बीच का हिस्सा है। और सबसे फ्रंट का हिस्सा हम अब आपको दिखा देते हैं आगे। तो ये मशीन का सबसे फ्रंट का हिस्सा है जहां आप देख रहे हैं पेपर नैपकिन बनकर आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं पेपर नैपकिन इस टाइम बन के आ रहे हैं, और ये पूरे पेपर नैपकिन यहाँ पर आकर इकट्ठे हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप ये जो मशीन देख रहे हैं, ये पूरी मशीन आती है पेपर नैपकिन बनाने की। दिखा देता हूँ आपको ये पेपर जो नैपकिन बनाने की मशीन है वर्क कैसे करती है, कहाँ इसमें पेपर लगता है, क्या कॉस्टिंग वगैरह आएगी, वो सब कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फिलहाल देखते हैं ये वर्क कैसे करती है। तो कहाँ से ये स्टार्ट होती है मशीन, कैसे होती है, सब चीज बता दीजिए हमारे। सर यहाँ से स्टार्ट होती है, ये दो रेड और ग्रीन जो लगा हुआ है
यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बटन ये स्टॉप बटन, ये स्टॉप बटन हो गया। यहाँ से आपका स्पीड लो एंड हाई होता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से बंदे, अगर दो बंदे पैकेजिंग पे रखे हुए हैं तो आप हाई स्पीड पे भी चला सकते हैं, एक बंदा है तो लोअर स्पीड पे भी चला सकते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। देख सकते हैं आप, अगर हम ये बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आप अपनी स्पीड से भी इस मशीन को चला सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी हमने स्पीड स्लो की हुई मशीन की, क्योंकि फिर आवाज ज्यादा होगी तो ये वीडियो बन नहीं पाएगी, इसमें आपको आवाज मेरी आ नहीं पाएगी। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद में आपका जो रोल लगता है वो आपने देख ही चुके हैं। ये रोल जो होता है ये आपका 50 केजी का भी होता है, 90 केजी का, 80 केजी का भी होता है और 40 केजी का भी होता है, वो बेड पे डिपेंड करता है। और प्राइस की बात करें तो ये 50 रुपए से लेके 60 रुपए केजी के हिसाब से जो रोल आता है, वाइट पेपर होता है। और ये यहाँ देख रहे हैं आप, इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ आपको देख रहे हैं इसमें इंक डाल सकते हैं, इंक डाल के डालने के बाद में इस पर रबर प्रिंटर भी चढ़ा सकते हैं और प्रिंटिंग करा हुआ भी नैपकिन का पीस तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रूलर लगे हुए हैं, इसमें आप डिजाइनिंग भी दे रहे हैं, डिजाइनिंग देने के यहाँ जो आते हैं डिजाइनिंग का पार्ट है ये। हाँ, पार्ट तो ये प्लेन पेपर था गाइज, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे डिजाइनिंग का पार्ट था, ये रोलर है, रोलर के ऊपर ये डिजाइनिंग जो क्या बोलते हैं इनको डाई, हाँ ये रोलर होते हैं, ये रोलर है डिजाइनिंग, तो इस पे प्लेन पेपर के ऊपर ये डिजाइन कर देते हैं, जिससे नैपकिन जो होता है डिजाइनिंग बन जाता है, कलर भी करता है। और इसको आप जैसे ये आप तो क्रीम कलर या व्हाइट कलर देख रहे होंगे, तो इसको आप कलर में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे फोल्ड हो गया है, फोल्ड होने के बाद में यहाँ पे एक ऑटो सेंसर होता है, जो आपको काउंटिंग भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटो सेंसर होता है वो 50-50 के पॉकेट बना के एक नैपकिन का पीस उठाता रहता है और 50-50 बंदे को पता लगता रहता है 50-50 के पैकेट हैं, उठा के बस मैनुअल में पैक करना है, मतलब 50-50 पीस एक जगह इकट्ठा कर देता है। बढ़िया, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लेड लगा होता है, ये फोल्ड होने के बाद में डबल एम्बोजिंग में 50-50 कहाँ थे, यहाँ पर लाइन में ही लग जाते हैं 50-50 के नैपकिन। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके ये नैपकिन तैयार होगा, यहाँ पर आके इकट्ठे हो रहे हैं, आप ब्लेड देख रहे होंगे, इस ब्लेड का काम है कि ये जो नैपकिन यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए हैं इसको काट देता है ये ब्लेड, ठीक है। काटने के बाद में आप उठा के बंदे दो रख के पैकिंग करवा सकते हैं। तो काटने के बाद आपको सिर्फ उठाना है और पॉलीथीन में पैक कर देना है, पॉली रैपर में पैक कर देना है। बात करते हैं हम कॉस्टिंग की और आपका मार्जिन का, ठीक है। तो गाइज ये तो आपने देख लिया कि एक पेपर नैपकिन तैयार कैसे होता है, लेकिन अब बात करते हैं कि इस मशीन की कॉस्टिंग क्या है, कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं और कितना आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए इसकी कॉस्टिंग कितना है मशीन का। सर इस मशीन का कॉस्टिंग होता है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कलर्ड के हिसाब से भी आता है, प्रोडक्शन के हिसाब से भी आता है, मतलब 5 लाख से स्टार्टिंग प्राइस 5 लाख से। तो 5 लाख से गाइस मशीन की स्टार्टिंग है, और उसके बाद में जितना आप मतलब प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो 5 लाख में गाइज आप इसे जो स्टार्टिंग प्राइस इसकी 5 लाख है, और जैसे आप प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको इससे हैवी वर्जन लेना पड़ेगा इसका, तो कीमत थोड़ा बढ़ जाएगी। अगर आप कलर्ड में वो लेना चाहते हैं तो आपको और ज्यादा पैसे देने होंगे, तो आपको इससे भी ज्यादा बढ़िया और अच्छी मशीन मिल जाएगी, इससे आप प्रोडक्शन पर आ पाएंगे और कलर्ड में ये बना पाएंगे पेपर। तो इसके बाद आती है ये जो रॉ मटेरियल, ये कहाँ मिलता है? रो मटेरियल हमारी यहाँ कंपनी से मिल जाएगा, और आपको जहाँ से नजदीक पड़ेगा आसानी से पेपर मिल जाता है इसका, तो रो मटेरियल कंपनी भी आपको सप्लाई कर रही है। और इसके बाद अगर आप आपके पास कोई होलसेल मार्केट है तो वहां से भी ये रो मटेरियल ले सकते हैं और पेपर नैपकिन तैयार करके मार्केट में बेच सकते हैं। तो क्या कॉस्टिंग आ जाती है पेपर नैपकिन बनाने के, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है इस टाइम? सर इस समय आपका जो पेपर आता है विदाउट प्रिंटिंग करा हुआ डबल फोल्डिंग में, ये आपका पड़ जाता है 50-60 रुपए पर केजी के हिसाब से, क्वालिटी वाइज क्वालिटी, ठीक है। एक केजी में लगभग मान के चलिए आपका 480 पीस पर मिनट का इसका प्रोडक्शन है, और एक केजी में साइज बाय साइज डिपेंड करता है, तो साइज एक साइज के हिसाब से मान के चलिए 30 सेंटीमीटर का, तो साइज पर डिपेंड करता है इससे, तो एक केजी में लगभग 1000 पीस तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है 50 रुपए किलो आपने बताया, 50 रुपए केजी, 50-60 रुपए केजी ये है आपको पेपर मिलता है, और एक मिनट के अंदर आप 480 इस तरीके के प्रिंट नैपकिन तैयार कर सकते हैं। और जो मार्केट प्राइस है 50 रुपए का एक 50 पीसेस का एक पैकेट आता है इसका, वो आपको मार्केट में मिलेगा इस टाइम 12-13-14-15 रुपए तक, और ये जो आप बनाते हैं खुद के तो ये आपको पड़ जाएंगे 6-7 रुपए तक।
तो आप जस्ट डबल का मुनाफा कमा सकते हैं, जस्ट डबल का मुनाफा आप कमा सकते हैं अगर आप इस मशीन को लगाते हैं और मार्केट में इसको सेल आउट करते हैं। तो कहने का मतलब है आप 2,500 से लेकर 3,000, 3,500 रुपए तक भी कमा सकते हैं पर डे अगर आप इस मशीन को लगाते हैं। खुद को भी आप रोजगार दे रहे हैं, लोगों को भी आप रोजगार देंगे इस मशीन के माध्यम से। तो अब आप कैसे खरीद सकते हैं मैं बता देता हूँ। कंपनी का नाम है एसके इंजीनियर, पहले भी मैंने इनकी वीडियो बनाई हुई है, और इस कंपनी से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनका फोन नंबर, इनकी ईमेल आईडी वगैरह और इनका एड्रेस वगैरह मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल सकते हैं, वहाँ पर इनका नंबर देख सकते हैं और बात कर सकते हैं और मशीन ले सकते हैं। मिलता हूँ गाइस आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।